नमकीन मखाने बनाने के लिए मैंने लिया है देसी घी, जिसको मैंने गरम कर लिया है, गैस को जला रखा है मैंने। और मैंने कुछ लिए हैं ये मखाने, अब मैं इनको इसके अंदर डाल दूँगी। डालने के साथ ही देसी घी में ये मखाने बहुत जो है क्रिस्पी हो जाते हैं। इनको व्रत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, और ऐसे भी आप बच्चों को दें तो ये बहुत ही हेल्दी फूड है। ब्रेकफास्ट में भी आप इनको खा सकते हैं। ये देखिए, हम इसको जैसे जैसे भून लेंगे, भून रहे हैं और बहुत जल्दी से 2 मिनट के अंदर ये पूरा भूनते जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, सारा घी जो है ख़त्म हो चुका है। और ये बहुत, इनको एक बार भूनने के बाद में इनको ठंडा करके ही खाएं, क्योंकि इनमें टेस्ट नहीं आएगा। ये बहुत सीले होते हैं जब तक गर्म होते हैं। तो बहुत अच्छे से ये देखिए, अब हमको क्या करना है, इसमें मैं डालूंगी मसाले। हाँ, तो मेरे को ये फास्ट में भी खा सकते हैं, बिना फास्ट के भी। तो सेंधा नमक बहुत अच्छा होता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है सेंधा नमक डाल रही हूँ। और इसके अलावा इसको स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्ची। अब हमें गैस को बंद कर देना है और कुछ देर तक ऐसे ही इसको छोड़ना है, उसके बाद हम इसको चला देंगे। तो ये देखिए, तैयार है हमारे नमकीन मखाने। इसमें 2 मिनट भी नहीं लगे हैं, और ये इतना टेस्टी होता है कि अगर आपने एक बार बना लिया इसको, तो आप बार बार आपका खाने को जी चाहेगा। और आप इसको चाय के साथ, शाम के स्नैक में, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के स्नैक में आप इसको जो है बना सकते हैं। प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।